झारखंड, जय भोजपुरी। हमारे स्टूडियो का जो स्टार गायक हैं मनोज मतवाला, और स्टूडियो के जो सबसे बढ़िया लेखक अशोक आसिक, दोनों लोग का आज फिर से गाना रिकॉर्ड हुआ है। वो गाना आपके बीच जाएगा। दोनों आदमी हमारे बीच हैं, डायरेक्टर साहब, स्टूडियो के सुमन जी। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी इनसे वार्तालाप हो जाए, और वो वार्तालाप आप भी सुनिए, इस चैनल के माध्यम से आप भी सुनिए। और मैं ज़रूर एक बार अपने मनोज मतवाला और विशेष कर से करके जो अशोक जी इतना मेहनत करते हैं, बढ़िया गाना आपके बीच भेजते हैं, तो इनके तरफ से, स्टूडियो के तरफ से मैं ज़रूर एक बार निवेदन करूँगा कि जब मनोज मतवाला का गाना आपके बीच जाए, इनके पूरे गाना को सुनिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, घंटी दबा दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा मनोज मतवाला का। क्योंकि मतवाला जी का आपसे क्या कहना है, ये सीधे आप मतवाला जी के मुंह से सुनिए। चलते हैं मतवाला जी के पास। जी प्रणाम, नमस्कार तमाम भोजपुरिया भैया के। हम तो भैया हिंदी बोले ना जानी ना, भोजपुरी बोली ना, तो हमरा से यदि कोई त्रुटि हुई तो हमरा के क्षमा जरूर करब। हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बा जे भोजपुरिया समाज से हमरा के प्यार दुलार जरूर मिली। तो भाई हमने के तो छोटा मोटा कलाकार बनी आके गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, अने सामाजिक गाना, भक्ति सॉन्ग गाना मतलब गाइला, और गाना में यदि कोई त्रुटि हुई तो हमने के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मनोज जी, आज जब आप लोग आए हैं जी, दोनों आदमी आप और अशोक जी जी, तो देखे कि बहुत आपने बाहर में बहुत ज़्यादा आज रियाज किया, तो आज का जो गाना है ना, हमको लगता है कि बहुत बवाल मचाएगा। बहुत बढ़िया आज आप गाना गाए हैं जी। तो आपके पीछे जो आपके राइटर अशोक जी हैं, जब देखते हैं कि आप जहाँ पर थोड़ा गड़बड़ाते हैं तो फिर आपको अंदर कैबिन में भी जाके ये मदद करते हैं, तो आप अपने दर्शकों के लिए, आप अपने अशोक भैया जो आपके लिए, आपके जो राइटर हैं, क्या कहेंगे आप? जी हम थोड़ा सर पढ़ल लिखल कम बनी, और भैया जी बन जौन उ लिख के देवल तो थनी जहाँ भुला जाइला, उनकरा से मदद खोजिला, मदद मांगिला। हमार कुणाल भैया बन उनकरा से मदद मांगिला, सुमन भैया बा उनकरा से मदद मांगिला कि भैया हम अनपढ़ बनी हमरा के बता लन, तो हम वह मतलब वह थ्रू से भजन कीर्तन गाना जोन बाबू गाइला। बहुत बढ़िया मनोज जी। तो आज जो आप जो गाना गाए हैं जी, सुनाइए अपने दर्शकों को जी। आज हमार गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एगो भक्ति सॉन्ग भोलेनाथ के फेरू रउआ लोग के सामने बा। जय के बाटे देवघर नगरिया, अरे सुनो ये भौजी सुना हो भैया,
अरे जाए के बाटे देवघर नगरिया, सुन ए भौजी सुन हो भैया, सावन महीनामा जब से चढ़ गईले जीवन सुधर गईले ना, भोले जी पर जलवा जब से चढ़ गईले जिंदगी सुधर गईले ना। सर वाह बहुत बढ़िया मनोज भाई। अच्छा मनोज जी, जैसा कि हम लोग भी जब चैनल को खोलते हैं जी, तो हमको लगता है कि 15-16 गाना आपका इस बार सावन में अभी तक का हो चुका है जी। हर गाना पर हम लोग देख रहे हैं, आप भी जरूर देखिएगा जी। अगर मनोज जी का गाना आप देखना चाहते हैं तो हमारे गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो टाइप करिए या सरजी फिल्म्स टाइप करिए और उसमें देखिएगा कि मनोज मतवाला का गाना आ जाएगा। जितना इनका सावन का इस बार गाना रिलीज हुआ है, हर गाना पर प्रत्येक दिन हर गाना पर व्यूअर का संख्या बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है। तो जितना आपको आपके जो लोग गाना देख रहे हैं, गाना आपका सुन रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं जी, तो आपका जो व्यूअर बढ़ रहा है लगातार हर गाना पर, हर गाना को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं प्रत्येक दिन कि मनोज का जो स्थिति है ना, तो हम देखते हैं कि हर गाना में डेली का डेली आपका बढ़ रहा है। तो जो इतना आपको आपके देखने वाले सुनने वाले आपको प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, आप क्या और कहेंगे जो आपको लोग इस पर देख रहे हैं उनको? देखिए भैया लोग के तो परिछू के प्रणाम करता नहीं, और हम ये कहब जो भैया लोग यहाँ हमारा गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमारे वीडियो देखब गाना देखब तो एक बार जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करब। भोजपुरिया भैया के अथी से हमने के प्यार दुलार भेंटाई, हमने के मनोबल बढ़ी, जरूर लोग हमने के आशीर्वाद देतनी, हमने के रउआ के बीच बहुत बहुत अच्छा से सॉन्ग गा के रउआ लोग के बीच रखब, हमने के आशीर्वाद प्यार जरूर देव। अशोक आशिक विशेष रूप से गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के वो राइटर हैं, बढ़िया गाना लिखते हैं, सभी के लिए गाना लिखते हैं। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, आपके मन में अगर गाने का इच्छा उठ रहा है कि हम भोजपुरी गाना गाएं, तो वो आपके लिए गीत लिख सकते हैं, बढ़िया लिख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस चैनल पर जो नंबर दिया हुआ है मोबाइल नंबर, आप बात करिए, समय दीजिए और आप अशोक जी से गाना लिखा कर गाइए कि आज जो गाना आपने सुना मनोज जी का, ये भी गाना अशोक आशिक का लिखा हुआ है। तो हम ज़्यादा अब आपका वक्त नहीं लेते हुए हम चलते हैं सीधे अशोक जी के पास। और हम राइटर अशोक आशिक तमाम भोजपुरिया भाई लोग के अशोक आशिक पैर छू के गोड़ लगातनी और प्रणाम करतनी। अभी हमने के गाना कांवर गीत ही चल रहा बा और मोटा मोटी 4-5 दिन तक कांवर गीत चलू, ओकरा बाद देवी गीत में हमने के जाब जा। रउआ लोग से हमरा ये विनती बा कि हमने के गाना जौन जा रहा बा भैया तोहरे लोग के भरोसा हमने के गा रहा बनी लिख रहा बनी रउआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। और अब हम चलते हैं हमारे स्टूडियो के डायरेक्टर साहब सुमन जी के पास। ये प्रणाम सब दर्शकों को गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ से। और हम यही हर हमेशा प्रयास करते रहते हैं सभी सिंगरों के साथ, जो भी छोटे बड़े नन्हे मुन्ने सिंगर गायक गायिका जो भी आते हैं मेरे स्टूडियो में गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, उसको हम लोग मतलब 110% सपोर्ट करते हैं, अच्छे से गवाते हैं, उन लोग का वीडियो शेयर करते हैं, गाना शेयर करते हैं, हर तरफ से मतलब कि सिंगर के सपोर्ट करते हैं। और यही चाहते हैं कि सिंगर आगे बढ़े, उसके साथ साथ हमारा स्टूडियो आगे बढ़े, स्टूडियो का नाम हो। और चैनल जो है, चैनल पर काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छे और बोलते हैं कि आप लोग इतना अच्छे कैसे करते हैं, कहाँ से सीखते हैं। कुछ स्टूडियो वाला भी फ़ोन करके मतलब कि पूछते हैं कि इतना अच्छा आप लोग ट्रेनिंग कहाँ से लिए हैं, कैसे लिए हैं, इतना अच्छा आप लोग गवाते हैं और इतना अच्छा अच्छा सिंगर आता है। और हमारे अभी स्टूडियो में यहाँ तक कि अभी बहुत सारा सिंगर जो है कि मतलब कि इधर है, लेकिन अभी तक मेरे स्टूडियो तक पहुँच नहीं पाया है। हम इतना समय ही नहीं दे पा रहे हैं स्टूडियो में कलाकार लोग को कि आके वो अपना रिकॉर्ड करें। अभी भी मेरे स्टूडियो में एक दिन के बाद एक दिन मतलब कि लाइन लगा हुआ रहता है। अभी बोलबम का बहुत ज़्यादा अभी मेरे स्टूडियो में भीड़ चल रही है और ये 25-26 तारीख तक बोलबम का भीड़ रहेगा। बोलबम के बाद उसके बाद हम लोग फिर देवी गीत, रक्षाबंधन और 15 अगस्त की तैयारी में मतलब कि लग जाएंगे, 15 अगस्त की तैयारी में लग जाएंगे क्योंकि 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है, उसके तैयारी में लग जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग देवी गीत में चलेंगे, देवी गीत में चलते चलते फिर उसके बाद हम लोग छठ पूजा का सॉन्ग निकालेंगे। उसके बाद अभी तो हम चाहेंगे जो भी कलाकार आए मेरे स्टूडियो में
तो एक बार फ़ोन करके संपर्क करके वो जरूर आएँ। धन्यवाद। एक बार पूरे स्टूडियो की तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि जरूर आप अपनी राय लिखिए, कमेंट में जरूर राय लिखिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बढ़िया कहेंगे हम बढ़िया हो ही नहीं सकते। हमारा रिजल्ट, हमारा परिणाम आपके हाथ में, अपने दर्शकों के हाथ में है। इसी के साथ अब हम अपने तमाम सुनने वाले को इस चैनल के माध्यम से नमस्कार करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह से देखते रहिए।